सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारी एविल टीम्स है, बट उनमें सबसे आइकॉनिक टीम रॉकेट है, और हो भी क्यों ना, ये हमें कैंटो से लेकर गलार तक अभी तक देखने को मिलते हैं। और पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें टीम रॉकेट के 5 ही मेन मेंबर्स दिखाए गए हैं, जो की है जेसी, जेम्स, बुच, कैसेडी और उनका बॉस यानी की जियोवानी। एंड आज हम इन 5 मेंबर्स की बेस्ट पॉसिबल पोकेमॉन टीम को देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इसमें पोकेमॉन जर्नीस वाले पोकेमॉन को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि भले वहाँ पे जैसे और जेम्स को काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिलते हैं जैसे कि टायरेंटार या फिर गैराडोस, बट उनको टीम रॉकेट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती है एंड फिर वो वापस चले जाते हैं, एंड इस हिसाब से ये इनके पोकेमॉन टीम में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीम रॉकेट के जैसे से, जो कि हमें सबसे पहली बार कैंटो में ही दिखाई जाती है। तो जैसे के पास भी पोकेमॉन एनिमे के अंदर काफी सारे पोकेमॉन है एंड मेरे हिसाब से उसका पहला पोकेमॉन होता अर्बॉक। तो जैसे ने एक बार बताया था कि उसका अर्बॉक उसको एक बर्थडे गिफ्ट की तरह मिला था एकंस के फॉर्म में, जो कि आगे जाके अर्बॉक में इवॉल्व हो जाता है एंड ये जेसी का पहला पोकेमॉन था। और वैसे तो ये ऐश और पिकाचू से हारता रहता था, बट फिर भी ये उतना वीक भी नहीं था। और आगे जाके जेसी ने अपने अर्बॉक को रिलीज कर दिया था, बट फिर भी यार अर्बॉक के साथ हमारी काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। और ये जेसी का सबसे पहला और आइकॉनिक पोकेमॉन था, तो डेफिनेटली ये टीम में तो एक जगह डिजर्व करता ही है। अब मेरे हिसाब से जेसी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोकेमॉन हो सकते हैं सवाइपर, यानमेगा और गोर्गिस। अब ये तीनों ही पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग तो है, बट इनका एक और रीजन है जेसी के टीम में होने का। ये तीन जेसी के इकलौते पोकेमॉन है जिनको जेसी ने अभी तक रिलीज नहीं किया है एंड वो उसके साथ है, यानी कि ये तीन पोकेमॉन अभी के लिए तो कंफर्म्ड है जेसी के टीम में एंड ये इनको कभी भी वापस बुला के बैटल करवा सकती है। और अभी ये तीनों ही पोकेमॉन टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर पे है। वेल, जेसी का 5वां पोकेमॉन होगा वॉबफेट। वॉबफेट करेंटली इकलौता पोकेमॉन है जिसको जेसी यूज करती है, यानी कि अभी के लिए जेसी इसी पोकेमॉन के साथ ट्रेवल करती है, उसके पास और कोई पोकेमॉन नहीं है। अब जेसी के टीम का 6th एंड फाइनल पोकेमॉन होगा मिमिक्यू। मिमिक्यू को जेसी ने पकड़ा था लग्जरी बॉल का यूज करके अलोला रीजन में, और मिमिक्यू एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, साथ में काफी पॉपुलर भी है, बट आगे जाके जेसी ने इसको रिलीज कर दिया था। और मेरे हिसाब से यही हो सकती है जेसी की बेस्ट पॉसिबल पोकेमॉन टीम। अब जो टीम रॉकेट का नेक्स्ट मेंबर है वो है जेम्स। जेम्स को भी हम काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब मेरे हिसाब से जेम्स के पोकेमॉन टीम का फर्स्ट पोकेमॉन होगा वीजिंग। अब जैसी की तरह पोकेमॉन एनिमे के अंदर जेम्स का सबसे पहला पोकेमॉन वीजिंग था, और सिमिलरली जेम्स को भी अपना वीजिंग कॉफिंग के फॉर्म में मिला था क्रिसमस गिफ्ट की तरह, और यही कॉफिंग आगे जाके फुली इवॉल्व हो जाता है वीजिंग में एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था एंड इसके साथ भी हमारी काफी मेमोरीज जुड़ी हुई है। तो हाँ, ये भी डेफिनेटली जेम्स के टीम में जगह डिजर्व करता है। अब मेरे हिसाब से जेम्स का जो सेकंड पोकेमॉन होगा वो आर्कनाइन होगा। वेल, आपको वो एपिसोड याद होगा जिस एपिसोड में जेम्स अपने घर जाता है एंड वहाँ पे उसके पास एक ग्राउलेट दिखाया जाता है जिसका निकनेम ग्राउली होता है। इनफैक्ट ग्राउलेट जेम्स के साथ कॉफिंग से भी पहले से है, और इस एपिसोड में जेम्स और ग्राउलेट का बॉन्ड बहुत अच्छा था एंड मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इतना अच्छा बॉन्ड जेम्स के साथ किसी और पोकेमॉन का नहीं है, और मैं ये सच में चाहता हूँ कि ये ग्राउलेट आगे जाके आर्कनाइन में इवॉल्व हो, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड इवॉल्व होने के बाद ये जेम्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी बन सकता है। अब जो जेम्स का थर्ड और फोर्थ पोकेमॉन होंगे वो होंगे कार्निवाइन और माइम जूनियर। ये कुछ उन पोकेमॉन में से एक थे जिनको जेम्स ने रिलीज नहीं किया था एंड मैं ये पर्सनली चाहता हूँ कि जेम्स का माइम जूनियर मिस्टर माइम में इवॉल्व हो। और जेम्स के 5th एंड 6th पोकेमॉन होंगे गैराडोस और विक्ट्री बेल। इन दोनों पोकेमॉन को जेम्स ने रिलीज कर दिया था, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे एंड ये डेफिनेटली जेम्स के टीम में जगह डिजर्व करते हैं। तो अब फाइनली देखते हैं टीम रॉकेट के बॉस यानी कि जियोवानी की पोकेमॉन टीम। अब जियोवानी को काफी मिस्टीरियस रखा जाता है पोकेमॉन एनिमे के अंदर, बट हमें इतना पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मेरे हिसाब से उसका सबसे पहला पोकेमॉन चारिज़ार्ड होगा। अब जियोवानी कैंटो से बिलोंग करता है एंड डेफिनेटली उसने एक ना एक स्टार्टर को तो चुना होगा। वेल, एक्चुअली में कन्फर्म्ड है कि जियोवानी ने चारमेंडर को चुना था एंड ये हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन ओरिजिन्स में, जहां पे जियोवानी जब रेड और चारिज़ार्ड का बॉन्ड देखता है तो उसका अपना बचपन याद आ जाता है एंड एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और वहां पे उसके पास एक चारमेंडर होता है जो कि बिल्कुल रेड और चार्जार्ड की तरह लड़ रहा था एंड इसी से कंफर्म्ड हो जाता है कि उसका स्टार्टर चारमेंडर था एंड वो अभी तक इवॉल्व हो चुका होगा चार्जार्ड में। और जियोवानी के पोकेमॉन टीम में उसका सेकंड पोकेमॉन होगा नीडोक्वीन, जो कि हमें पोकेमॉन ओरिजिन में देखने को मिलता है एंड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग था। थर्ड पोकेमॉन होगा राइडॉन, जो कि हमें पोकेमॉन ओरिजिन और पोकेमॉन एनिमे दोनों में देखने को मिलता है, और पोकेमॉन एनिमे में जिस एपिसोड में राइडॉन देखने को मिलता है उसी एपिसोड में जियोवानी के मचैम्प और गोलम को भी दिखाया जाता है, और इन दोनों में से मेरे हिसाब से उसका फोर्थ
पोकेमॉन मचैम्प होगा। अब जियोवानी के पांचवे पोकेमॉन की बात करें तो वो पर्शियन होगा। पोकेमॉन एनीमे के अंदर जब भी हमें जियोवानी देखने को मिलता है तो उसके पास एक पर्शियन भी होती है, और पोकेमॉन के मांगा के अंदर हमें ये भी पता चला है कि जियोवानी के पास उसकी पर्शियन बचपन से है। तो डेफिनेटली इन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा होगा एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है, क्योंकि यूनोवा रीजन में इसने एश के पिकाचू को सिर्फ और सिर्फ दो ही मूव का यूज करके डिफीट कर दिया था। अब जियोवानी के लास्ट पोकेमॉन की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू होगा, और वो भी आर्मर्ड म्यूटू, जो कि हमें देखने को मिलता है द बैटल ऑफ द बैज नाम के एपिसोड में। इस म्यूटू को जियोवानी के साइंटिस्ट ने बनाया था एंड ये जियोवानी की बात भी मानता था, और जियोवानी ने इसको काफी सारे जिम बैटल्स में भी यूज किया था जहाँ पे इसने बिना किसी एफर्ट के सारे चैलेंजर्स को हरा दिया था। इवन गैरी को भी इसने इजिली हरा दिया था, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। और ये तब तक ही जियोवानी का पोकेमॉन था जब तक इसको जियोवानी के रियल इंटेंशन नहीं पता थे, यानी कि जब म्यूटू को पता चला कि जियोवानी म्यूटू को गलत कामों के लिए यूज कर रहा है तो वो उसका लैबोरेटरी तोड़ के भाग गया। और अभी तो जियोवानी के पास म्यूटू नहीं है, बट वो कुछ टाइम के लिए जियोवानी के पास था एंड उसका पोकेमॉन ही था। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉक क्विज के विनर ये रहे एंड आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो स्लोब्रो को छोड़ के ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो कि डी इवॉल्व हो सकता है, एंड इसके लिए एक हिंट है कि ये पोकेमॉन एश की अलोला टीम में भी था। तो अब जो टीम रॉकेट का पांचवा मेंबर है वो है बुच। बुच के पास भी पोकेमॉन एनीमे के अंदर पांच पोकेमॉन दिखाए गए हैं, एंड वो सारे पोकेमॉन है प्राइमेप, हिटमॉनटॉप, शक्ल, क्लॉयस्टर और माइटियाना। ये पांचों ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ये पोकेमॉन एनीमे के अंदर ऑफिशियली बुच के पास है, तो डेफिनेटली ये सारे पोकेमॉन उसके टीम में होंगे ही। एंड जो उसका लास्ट पोकेमॉन होगा वो होगा एग्रॉन। तो ग्रेटिंग स्पेसेस नाम के एपिसोड में डेलीबर्ट को बुच को एक एग्रॉन देना था, बट वो गलती से जेम्स को एग्रॉन दे देता है, और जेम्स ने एग्रॉन को यूज भी किया था एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसने मेगा पंच, हाइपर बीम और वाटर पल्स जैसे मूव्स को यूज किया था। और बाद में डेलीवर्ड एग्रॉन को जेम्स से वापस ले लेता है एंड वो बुच को दे देता है। तो हाँ, मेरे हिसाब से बुच की बेस्ट पॉसिबल पोकेमॉन टीम यही हो सकती है एंड ये उसके छह बेस्ट पोकेमॉन हैं। नाउ जो अब टीम रॉकेट की पांचवी एंड लास्ट मेंबर है वो है कैसिडी। अब जो कैसिडी का सबसे पहला पोकेमॉन है वो उसका सिग्नेचर पोकेमॉन है, जो कि है रैटिकेट। रैटिकेट हमें सबसे पहली बार द ब्रीडिंग सेंटर सीक्रेट नाम के एपिसोड में देखने को मिला था, और बिल्कुल म्याउत की तरह जब बुच और कैसिडी का मोटो पूरा हो जाता है तो लास्ट में रैटिकेट आके अपना नाम बोलता है। और कैसिडी का सेकंड पोकेमॉन होगा हाउंडरूट, जो कि हमें द मिस्ट्रीज हिस्ट्री नाम के एपिसोड में देखने को मिलता है। और थर्ड और फोर्थ पोकेमॉन होंगे सेबलाय और टेंटाक्रूल। सेबलाय हमें ओकनैप नाम के एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पे कैसिडी ने इसको रिची के साथ बैटल करने के लिए यूज किया था, और टेंटाक्रूल को कैसिडी ने बुच के क्लॉयस्टर के साथ यूज किया था मॉर्ट्रेस को स्टील करने के लिए। और जो उसका पांचवा ऑफिशियल रिवील्ड पोकेमॉन है वो है ग्रैंड बुल। ग्रैंड बुल को कैसिडी ने स्लेथ ऑफ द सैंड नाम के एपिसोड में यूज किया था जैसी के सर्वाइपर के साथ बैटल करने के लिए, और उस एपिसोड में इसने फायर फैंग और बाइट जैसे मूव का यूज किया था। और जो कैसिडी का लास्ट पोकेमॉन होगा वो होगा चार्जार्ड। अब जैसे डेलीबर्ट गलती से जेम्स को एग्रॉन दे देता है, उसी तरीके से वो जेसी को भी गलती से चार्जार्ड दे देता है, एंड ये चार्जार्ड ओरिजिनली कैसिडी के लिए होता है, पर आगे जाके डेलीवर्ड सक्सेसफुली कैसिडी को चार्जार्ड दे देता है। और ये चार्जार्ड सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, इसने फ्लेम थ्रोअर और फायर स्पिन जैसे मूव का यूज किया था उस एपिसोड में। अब मेरे हिसाब से यही हो सकते हैं कैसिडी की पोकेमॉन टीम, यानी कि उसके बेस्ट 6 पोकेमॉन। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो दोबारा मिलेंगे ऐसे और सम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।